हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी की शॉपिंग हो चुकी है करवा चौथ की। और मैंने दो साड़ियाँ निकाली थी यहाँ पर बेड में से ही, पुरानी साड़ियाँ हैं और ये साड़ी मैंने ज़्यादा पहनी भी नहीं है, तो सोचा इस करवा चौथ में यही डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर से शॉपिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था। और हुआ कि अचानक से मेरा, मतलब हम लोगों का प्लान बना कि बाहर चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब कपड़े थे, ड्रेसेस थी, मतलब कुछ भी आप लोग, बहुत मज़ा आ रहा था। और होता भी है जब कोई फेस्टिवल आता है तो मार्केट में रौनक अलग से नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, हर कुछ है यहाँ पर। गले का सेट ले लो, कुछ भी ले लो आप। और सबसे पहले मैंने अपनी ड्रेस ली, उसके बाद मैंने अपनी चूड़ियाँ ले ली, और उसके बाद मेरे को याद आया कि परी के जूते जो हैं स्कूल के, वो थोड़े छोटे हो चुके हैं, तो हम परी के जूते लेने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे कुछ पर्स हैं, ये देखिए पर्स कितने सुंदर सुंदर हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी फेस्टिवल में मार्केट में निकलते हैं, तो हाँ मतलब होता है सारी टेंशन जो दूर हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि अगर टेंशन होती है तो थोड़ा मार्केट घूम लो और अच्छी अच्छी चीज़ों को देख लो, तो मन से एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं। मैंने जो अपनी एक ड्रेस ले ली है और उसी के साथ ये बैंगल्स भी ले लिए हैं और नेकलेस भी ले लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। मैंने जो है करवा चौथ के लिए दो ड्रेस ली हैं, अब उनमें से एक सेलेक्ट करनी है मुझे, और जो दूसरी बची थी वो मैं मतलब दिवाली पे या भैया दौर जा रहा है उस पर डाल लूँगी। मैं दो चीज़ अलग से, एक चीज़ जो है मैंने एक्स्ट्रा ड्रेस ले ली है, और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम हमारे पार्लर में पालेंगे, थोड़ा बहुत काम किया जाए, थ्रेडिंग बनवानी हुई, ये सब करने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा सा खाना पीना करने के लिए, क्योंकि इतनी शॉपिंग करने के बाद भूख लगी आती है। तो यहाँ पे हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो चलिए बाय बाय।